नमस्कार, ओशो की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर वर्ण और जाति, जी हाँ, भारत में वर्ण और जाति के भ्रमों को दूर करने के लिए एक और व्याख्यान आपके लिए लाए हैं प्रोफेसर मक्खनलाल, आपके चिर परिचित प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार। हमने पहले दो एपिसोड्स में ये देखा कि किस तरह से भारत की वर्ण और जाति व्यवस्था थी, और यह भी दिखाने की कोशिश की कि भारत की वर्ण और जाति व्यवस्था पूरी तौर पे सामाजिक और आर्थिक प्रणाली पर निर्भर थी। यह भी था कि एक जाति से दूसरी जाति में जाना आसान था, इसलिए कि जाति कर्मणा जन्मना नहीं थी, कर्मणा थी। और आपने देखा कि ऋग्वेद से ही ये शुरू हो जाता है कि एक ही परिवार में अलग अलग प्रोफेशन के लोग अलग अलग जाने जाते थे। फिर हमने देखा कि इस जाति को किस तरह से अंग्रेज़ों ने कास्ट सिस्टम के नाम से यहाँ किया, और कास्ट सिस्टम का डिटेल बताया कि किस तरह से ये ओरिजिन इसकी थी, कैसे स्पेनिश और पुर्तगीज़ कॉन्क्वेस्ट ने अमेरिका का जो पूरा स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर, वो बदला और सोशल स्ट्रक्चर को नस्लवाद के आधार पर उसे डिवाइड किया, और उसी को यहाँ हिंदुस्तान में लागू किया गया, जो कि पूर्णतः गलत था। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों का क्या रोल रहा है कास्ट सिस्टम को डिस्टॉर्ट करने के लिए, और क्या क्या समस्याएं रही हैं, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पिछले 200 वर्षों में जाति और वर्ण की व्यवस्था पे जो अंग्रेज़ों ने किया, उसे हम आज भी ढो रहे हैं। हमने उसे करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, सुधारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको राजनीति से जोड़कर फ़ायदा देखने लगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। 17वीं-18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के शुरू में, जब भारतवर्ष में मिशनरी बहुत बड़े स्तर पर काम करना शुरू किया, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत की पॉपुलेशन को किसी तरह से क्रिश्चियनिटी में बदला जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों के प्रति वो जानते थे कि क्या हिंसा होगी अगर उन्होंने कोशिश की बदलने की, लिहाजा हिंदू एक साफ टारगेट होकर उभरा। और उन्होंने ये देखा कि कन्वर्जन में जाति सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि हिंदू परंपरा में जो भी व्यक्ति है वो जाति से अपना जाना जाता है। और ये पाया कि किसी भी कन्वर्जन में ब्राह्मणों को बदलना बहुत आसान नहीं था, चैलेंज करना बहुत आसान नहीं था, और दूसरी बात, लोगों में अपनी जाति यानी समाज से बाहर होने का बहुत डर था। ये दुनिया की सभी समाजों में होता है कि आप सामाजिक हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में कहा भी जाता है ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहना चाहता है। और यह देखा गया कि भारतीयों में, हिंदू समाज में, जाति को छोड़ने और तोड़ने की बहुत बड़ी डर था। इसीलिए लिखा लॉर्ड कार्नवालिस ने 27 दिसंबर 1778 को लिखा अपनी डायरी में, द फियर ऑफ लूजिंग कास्ट इज मेकिंग कन्वर्जन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लोगों के अंदर जाति छूट जाने के भय से कन्वर्जन लगभग असंभव है। और उसी के साथ ये एबे दुबाइस थे, उन्होंने, उनकी किताब बहुत फेमस है, हिंदू माइनर कस्टम्स, ये सब, उन्होंने 1815 में ये लिखा कि मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली इंडियंस आर फार सुपीरियर टू अस, यानी वो खुद ही मान रहे हैं कि इंडियंस हमसे सुपीरियर हैं, इंटेलेक्चुअली भी मॉरली भी, और लिहाजा कन्वर्जन बहुत आसान नहीं है। और एक चीज़ ये भी पाया गया, मिशनरियों ने यह देखा कि जो लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में,
या यहाँ तक कि इस्लाम में भी, तो उन्होंने नया धर्म तो अपना लिया लेकिन जाति अपने साथ लेके गए। यही वजह था कि इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सारी जातियाँ जो जातियाँ उनकी जानी जाती थी, चाहे जुलाहा हो, चाहे रोडमी हो, चाहे ये सब हो, सब उस नए धर्म में लेके चले गए। और नॉर्मली उन्होंने पूजा पद्धति तो बदल दी लेकिन जाति नहीं बदली, और उसका नतीजा ये है कि आज भी इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जातियाँ हैं, जबकि उनके धर्म के हिसाब से जात नहीं होनी चाहिए, यानी उनके मजहब के हिसाब से जात नहीं होनी चाहिए। तो एक ये एडवांटेज था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज ये परेशान थे कि हम कर नहीं पा रहे हैं कन्वर्जन, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और इसको ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कि जाति छूटने की समस्या को ख़त्म करने के लिए 1850 में एक लॉ बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, और वो कहा जाता था 1850 कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। यानी जब आप जाति छोड़ देते थे, आप अपना घर परिवार छोड़ दिया, आप किसी दूसरे धर्म में चले गए, तो आपको अपने घर परिवार की प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि आप जब उस धर्म में नहीं रहे, उस अपने समाज का हिस्सा नहीं है, तो प्रॉपर्टी से भी आपको हिस्सा छोड़ना पड़ता था कि अब आप दूसरे धर्म में चले गए, आप दूसरी पूजा पद्धति आपने अख्तियार कर ली। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट बनाया, उससे ये उम्मीद की गई कि कन्वर्जन के बाद आदमी जात के लिए परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम बनी रहेगी। और ये जो है 1850 का लॉ था, लेकिन इससे बहुत लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हजारों हजार साल की जो एक परंपरा होती है वो बहुत आसानी से नहीं जाती। जैसा मैंने कहा कि जब भी आप नए रिलीजन में जाते हैं, नए धर्म में आप गए, पूजा पद्धति तो आप बदल दी लेकिन सामाजिक रीतियां लेके आप गए, इस्लाम के हिसाब से जाति नहीं होती, एवरीबॉडी इज़ इक्वल, लेकिन आप भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं कह सकते। सैयद और जुलाहे का फ़र्क सबको पता है, पठान और स्वीपर का फर्क सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें हिंदू समाज से गई हैं और इसको स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरफ जब ये चीज़ें जात को लेके चल रही थी, 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। बहुत बड़ी डिबेट हुई अंग्रेज़ों के बीच में, और बात ये हुई, अंग्रेज़ हमारी तरह नहीं है कि जीत गए तो सेलिब्रेशन में जुट गए, नहीं, 1857 का जब स्वतंत्रता युद्ध ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ जीत गए, तो उन्होंने एक बात की डिबेट शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने हिंदुओं को, मुसलमानों को बहुत प्यार से रखा, बहुत पेमेंट किया, आर्मी में बहुत देखभाल किया, इसके बावजूद भी वो हमारे खिलाफ क्यों खड़े हुए। यानी उनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि जिसको हम इतने देखभाल करते हैं, इतने अधिकार दे रखे हैं, इतने पैसा देते हैं, सुविधाएं देते हैं, वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और ये जो है उस समय की 5-6 साल की जो डिबेट चली है सरकार में मिशनरियों के बीच में, सारी करिस्पॉन्डेंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, उसको देखिए तो पता ये चलता है कि 1857 में 28 मई को एक मिशनरी मैगजीन थी, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, उस मिशनरी मैगजीन में लिखा गया कि ये वार ऑर्डिनरी वार नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की वार नहीं है, ये वार क्रिश्चियनिटी वर्सेस ब्राह्मणिज्म की है। अब वो हिंदू शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणिज्म शब्द कॉइन कर लिया गया ब्राह्मण से। और क्यों ये शब्द कॉइन किया,
इसके अभी देखेंगे थोड़ी पहले, तो उसके बाद उस ज़माने के एक बहुत बड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल मिशनरी थे अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ ने लिखा अपने लेख में एनालाइज करते हुए 1857 को कि इफ़ द गवर्नमेंट हैड एक्टेड अगेंस्ट जाति व्यवस्था, अगर गवर्नमेंट ने जाति व्यवस्था के अगेंस्ट काम किया होता देन द होल स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म वुड हैव कोलैप्स्ड, पूरा हिंदू सिस्टम कोलैप्स कर जाता। आफ्टर ऑल जात इज द बेसिस ऑफ स्ट्रांग स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म। वो कास्ट सब नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जात, वो खुद कहते हैं कि जाति जो है हिंदू समाज का, समाज शब्द का सबसे बड़ा स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। एक दूसरे जेसुइट फादर हैं व्याली, कलकत्ता के थे, उन्होंने लिखा वाइल्ड वी आर एनालाइजिंग द काजेज ऑफ रिवेलियंस वी मस्ट एक्सेप्ट जाति वॉज द मेन काज, इफ देयर वॉज नो जात देयर वुड नॉट हैव बीन एनी रिवेलियन। यानी अब सारा डिबेट इस पर आके रुक रहा है कि 1857 का जो पूरा का पूरा, उसके पीछे जाति बहुत बड़ा कारण है। और ये सारी फाइलें नेशनल आर्काइव्स दिल्ली की हैं, पड़ी हुई हैं, जाके पढ़ना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। और 1857 के बाद जब जीत जाते हैं अंग्रेज तो उन्होंने एक कमीशन बिठाया, अब बहुत फेमस है मेजर जनरल जोनाथन पील कमीशन, ये 15 जुलाई 1858 में इसने रिपोर्ट भी दे दिया, वो रिपोर्ट अवेलेबल है, नेट पे भी है। बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद 1857 के पूरी ये क्यों हुआ जिसके लिए अंग्रेज कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, तो जोनाथन पील कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कंक्लूड करते हुए लिखा, यानी यो अंग्रेजों का सारा डॉक्यूमेंट मैं कोट कर रहा हूँ जिससे आप कहीं धोखे में न रहें, वो लिखते हैं द काज ऑफ रिबेलियंस वर द ब्राह्मणज हु वर कंसिडरेबल इन नंबर इन आर्मी, इट इज ब्राह्मणज हु प्रोवाइड द मेंटल मॉरल एंड मटीरियल लीडरशिप टू इंडियन पीपुल ऑफ आल जाति। यानी ऑफिशियल कमीशन है मेजर जनरल जोनाथन पीन का, वो लिखते हैं कि सारी समस्या की जड़ में ब्राह्मण था, इसलिए कि भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को मेंटल मानसिक मॉरल और मटेरियल लीडरशिप प्रोवाइड करता है विदाउट डिस्क्रेडिटिंग। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से शुरुआत होती है भारत में समस्याओं की समाज में। जोनाथन पील लिखते हैं कमीशन की रिपोर्ट में विदाउट डिस्क्रेडिटिंग द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मणस इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ब्रेक जाट सिस्टम एंड विदाउट ब्रेकिंग द जाट सिस्टम वी कैन नॉट रूल इंडिया। यानी 1857 की एनालिसिस करने के लिए जो कमीशन बिठाया गया उसने लिखा कि जब तक ब्राह्मण को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे आप जाति सिस्टम नहीं तोड़ पाएंगे, और जब तक जाति सिस्टम नहीं तोड़ेंगे आप भारतवर्ष के ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए कि जरा सा आप पीछे जाके देखने लगिए, और 1857 की रिपोर्ट में फाइलों में लिखा मिलता है कि अब आपके बाद, फाइल की रिपोर्ट में है, अब के बाद हमें ब्राह्मणों को आर्मी में नहीं लेना है या कम से कम लेना है। यानी आप जब भी कोई व्यवस्था होती है, जब भी कोई समस्या होती है तो आप समस्या की जड़ में जाना चाहते हैं कि वजह क्या थी। 1857 के लिए अंग्रेजों की निगाह में, हम लोग चाहे जितना एनालिसिस करें ये हुआ वो हुआ, अंग्रेजों को रूल करना था, उन्होंने अपनी एनालिसिस की और उनके हिसाब से ब्राह्मण इस समस्या की जड़ में है, आगे आने वाले समय में भी ब्राह्मण समस्या का जड़ रहेगा, इसलिए पहले इसे निष्नाबूद करो। एक है मेजर जनरल बुच, ब्रिटिश में ब्रिटिश थे, अब उन्होंने वो डिस्क्राइब करते हैं कि समस्या कहाँ थी। आई सॉ फ्रॉम माई ओन आईज दैट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए कंपनी वॉज ऑफिसर ऑफ इन ऑर्डिनरी कास्ट, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कंपनी कमांडर जो था वो एक ऑर्डिनरी कास्ट का था, जबकि उसी के अंडर में बट इमीजिएटली आफ्टर द परेड
द ऑफिसर वेंट टू ए ब्राह्मण सिपाही प्रोस्टेटेड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टच्ड हिज फीट. यानी एक ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है, उसी की कमांड के अंतर्गत एक सिपाही है जो ब्राह्मण है, और परेड खत्म होने के बाद, ऑफिशियल परेड खत्म होने के बाद, वो ऑफिसर जाके साष्टांग दंडवत करके ब्राह्मण को प्रणाम करता है. तो इस तरह की स्टोरी आपको लॉर्ड एल्फिंस्टन का मिल जाएगा, सर जॉन लॉरेंस का मिल जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. यानी वो एक बात कह देते हैं बहुत सिंपल से कि ब्राह्मण जो है वो इस समाज का यूनाइटिंग फोर्स है, और जब तक आप ब्राह्मण को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे समाज नहीं टूटेगा. और आप फिर क्या देखते हैं कि 1857 के पहले भारतीय समाज में जातियों के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं लिखा गया, बल्कि बहुत सुपरलेटिव वर्ड्स में लिखा गया कि यह समाज अगर दे सका विश्व को, चाहे सभ्यता के हिसाब से चाहे संस्कृति के हिसाब से, तो सिर्फ इसलिए कि समाज हमेशा एकजुट रहा, आपस में कभी कोई समस्या नहीं रही. और एक सर जॉन लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे इंग्लैंड में, भारत की समस्याओं को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाते थे, उन्होंने लिखा द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास ऑन अदर जाति, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास ऑन अदर जाति वॉज ड्यू टू रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट. यानी ब्राह्मण की रिस्पेक्ट सारी जातियाँ इसलिए करती थी कि उसको बहुत आदर की निगाह से देखा जाता था, बहुत सम्मान की निगाह से देता था. और ये कि उसके पास पैसा नहीं था, ब्राह्मण इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, लीड द सोसाइटी बाय द मॉरल अथॉरिटी. उसका जो मॉरल था वो बहुत हाई था. और इसी को कंटिन्यू करते हैं लॉरेंस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है. लास्ट ईयर व्हेन द ऑफिसर्स ऑफ हायर कास्ट रिवोल्टेड, देन इवन द लोअर कास्ट एम्प्लॉइज हु आर इन्वॉल्व इन पेटी मैनुअल वर्क्स लाइक फिक्सिंग द टेंट्स, कटिंग ग्रास, टेंडिंग हॉर्सेज एक्सेट्रा, फॉलोड अपर कास्ट लाइक शीप, दे रिफ्यूज टू लिसन टू ब्रिटिश ऑफिसर्स. ये आप सोचिए कि जॉन लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिख रहे हैं कि 1857 में जब ब्राह्मण ऑफिसर्स ने और ऑफिसर्स ने जब रिवोल्ट किया, तो अंडर में जो लोअर क्लास के छोटे छोटे लोग थे, छोटे छोटे काम करते थे, घास काटते थे, घोड़े की देखभाल करते थे, घरों में झाड़ू पोछा करते थे, उन लोगों ने भी आना बंद कर दिया. कहा ना, ये क्योंकि हमारे सामाजिक लीडर्स ने आपके साथ कोऑपरेट करना बंद किया है तो हम नहीं रहेंगे. तो ये लिखते हैं कि अब नाउ दे हैव जीरोड ऑन द एनिमी, एनिमी इज द ब्राह्मण बिकॉज ही इज यूनाइटिंग फोर्स दैट आइडेंटिफाई. और 1857 की बाद जो चीज़ें होती हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉरेंस ने जब सारी एनालिसिस बाद जिन्होंने लिखा कि ब्राह्मण इज द कॉज, उन्होंने लिखा और किसको लिखा, वायसराय लॉर्ड एल्गिन को लिखा, और लिखा कि इफ विद इन कोट इफ इंटायर इंडिया गेट्स यूनाइटेड अगेंस्ट अस हाउ लॉन्ग कैन वी स्टैंड. और उन्हीं का ये दिया हुआ शब्द है, फ्रॉम नाउ ऑन डिवाइड एंड रूल. हम सब बात करते हैं डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की. लॉरेंस ने ये चीज दिया वायसराय लॉर्ड एल्गिन को, उन्होंने खत लिखा और उस खत में लिखा डिवाइड एंड रूल, एंड दैट बिकेम द मूल मंत्र. वो भारतीय समाज में अंग्रेजों का मूल मंत्र हो गया कि कैसे हमें करना है. इसके बाद क्या होता है कि 1857 इस सारी एनालिसिस के बाद अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा स्कॉलर्स का समूह निकलता है जो ये कहता है कि पूरे भारतीय समाज को हमें बांट देना है, बिखेर देना है.
और तीन मिशनरीज उस जमाने में, अलेक्जेंडर डफ कलकत्ता के, जॉन विल्सन बॉम्बे के और ईजे हार्डी मद्रास के, ये तीन लोग बड़े विद्वान भी थे, मिशनरीज थे, ये लोग आगे आए और इन्होंने कहा हम इस काम को पूरा करेंगे। और डफ की पहली किताब आती है कलकत्ता से छपी, व्हाट इज द कास्ट, हाउ ए क्रिश्चियन गवर्नमेंट शुड डील विद इट, वो किताब की टाइटल है। तो आप ये सोचिए कि इंडियन रिवेलियंस एंड इट्स कॉजेज, ये दूसरी किताब थी। इन दोनों में उन लोगों ने आइडेंटिफाई करके ये कहा कि जाति सिस्टम, अब देखिए सारा प्रेस खत्म हो गया, अब एनालिसिस दूसरे ढंग से चलती है। अब वो कहते हैं जाति सिस्टम इज एनिमी ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअलिज्म, पैट्रियाटिज्म एंड लिबरलिज्म। अब ये चीज़ें आगे बढ़ानी है कि जाति जो है वो इसके अगेंस्ट है लिबरलिज्म के। जाति इज द मेन हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यानी पहली बार 1857 में, उसके पहले इतने दिनों से स्टडी होती रही, सबने भारतीय जाति परंपरा को बहुत बड़ा माना, जजमानी सिस्टम को बहुत बड़ा माना, अलेक्जेंडर डफ ने ये बात कही। जाति इज द मेन हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, विदाउट रिमूविंग इट नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। अब ये कैमोफ्लाजिंग शुरू हो जाती है और ये 1858 का इनकी बुकलेट है। यहाँ तक कि संस्कृति जो थे, चाहे मैक्स मुलर थे, एच एच विल्सन थे और बाकी और, इन सब लोगों ने भी इस प्रोपोगंडा मशीनरी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद तो चाहे आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मैक्स मुलर ने जो बात लिखी वो और बढ़िया है, सुनने लायक। विद इन कोट, इन इंडिया जाति हैज बीन देयर फ्रॉम वन फॉर्म और अदर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वी मे नॉट एक्सेप्ट इट एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बट इट हैज बीन देयर एज सोशल इंस्टीट्यूशन ओवर मिलेनिया। वो कहते हैं, मैक्स मुलर पढ़े लिखे आदमी थे, वो कहते हैं कि जाति जो है वो धार्मिक संस्था नहीं है, हाँ, इट्स नॉट ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बट सोशल इंस्टीट्यूशन जो हजारों सालों से है। और लिखते हैं, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशस इन क्वेश्चनिंग इट एंड ब्रेकिंग दिस यूनिटी ऑफ द कास्ट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ब्रिटिश टू रूल ओवर इंडिया। तो इस तरह से चीज़ें जब शुरू हुई तो अंग्रेजों के ही सारी फाइलों में चीज़ें हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। तो मैक्स मुलर ने ही एडवाइस किया, एच एच विल्सन, मैक्स मुलर इन लोगों ने और मिशनरीज ने, कि जाति कैन नॉट बी रिमूव्ड, रिमूव आज भी नहीं हो पाई है क्योंकि लाख मतलब हजारों साल की परंपरा है, तो जाति रिमूव नहीं की जा सकती या डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा पाएगी, तो किया क्या जाना चाहिए। तो बाकायदा एक पॉम्पलेट छपा, उस पॉम्पलेट को सर्कुलेट किया गया एमंग द पीपल दोज हु वर वर्किंग, और थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई गई, यानी उस पॉम्पलेट में उन सारी चीज़ों में ये तय किया गया कि हमें तीन तरीके से काम करना है जिससे इस व्यवस्था को तोड़ा जाए, खत्म नहीं तोड़ा जाए। और ये सब फाइल्स में मौजूद हैं। ये लिखते हैं, क्रिएट, पहला पॉइंट ये था, क्रिएट एनिमोसिटी कंपटीशन एंड हेट्रेड एमंग द कास्ट, यानी पहला पॉइंट ये है कि कास्ट में आपस में काफ़ी वैमनस्य पैदा कीजिए, कंपटीशन पैदा कीजिए और इस स्तर तक कर दीजिए एक जाति दूसरे जाति से घृणा करने लगे। बी, क्रिएट हेट्रेड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट एमंग द एजुकेटेड पीपुल एंड मेक देम टू वर्क फॉर द कास्टलेस सोसाइटी। कास्टलेस सोसाइटी की आज भी हम खूब बात करते हैं, लेकिन कास्टलेस सोसाइटी की बात सबसे ज़्यादा वही करता है जो कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मांगेगा, ये मांगेगा, वही कहता है कास्ट नहीं होनी चाहिए, कास्ट डिसेबिलिटी। तो वो दूसरा पॉइंट ये देते हैं कि एजुकेटेड लोगों के बीच कास्ट के प्रति वैनस पैदा इस तरह से पैदा करो कि वो कास्ट ख़त्म करने की बात करें। और तीसरा पॉइंट है, टू अचीव बोथ अबव ऑब्जेक्टिव्स इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट दोज हु वर रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड शुड बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ एड। उसी फाइल में ही लिखा है
कि वो दोनों ऊपर के दो पॉइंट अचीव करने के लिए ज़रूरी ये है कि समाज में जिन लोगों की इज्जत है, जिन लोगों की बहुत इज्जत है, उनके प्रति समाज में घृणा पैदा की जाए। यानी ब्राह्मणस हुअर लीडर हुअर द यूनाइटेड देर शुड बी हेट्रेड फॉर देम इन द सोसाइटी। आज भी कहते हैं ना बनुवाद, ब्राह्मणवाद, वो सब अंग्रेजों के एक फैसिलिटी दी जाने वाली व्यवस्था से निकले हुए शब्द हैं जिससे कि समाज को तोड़ा जा सके। और इसके बाद आप ये पाते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे जाति व्यवस्था पे काम शुरू होता है और जाति व्यवस्था के काम में ब्राह्मणों को हिंदू समाज का सबसे बड़ा विलन साबित करने की कोशिश की जाती है। और इस विलन साबित करने के पीछे उन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में शिक्षा को कभी, शिक्षा को कभी भी पैसे से नहीं टांका गया और किसी भी निर्धन व्यक्ति को शिक्षा न मिले यह बात नहीं थी, क्योंकि भारतीय समाज में हमेशा से ऋग्वैदिक काल से ही शिक्षा मुफ्त थी। और 1834-35 के मैकाले के मिनट्स के बाद अंग्रेज़ों ने एक सर्वे कराया और सर्वे ये कराया कि भारत में शिक्षा पद्धति क्या है। और भारतीय शिक्षा पद्धति के सर्वे में ये पता चला, ऑल इंडिया, और उसकी रिपोर्ट्स हैं, एडम्स की रिपोर्ट है, डिवोना की रिपोर्ट है, क्या कहते हैं, एल्फिस्टन की रिपोर्ट है साउथ से, एडम की रिपोर्ट वेस्ट बंगाल से है, बिहार से, उड़ीसा से और पंजाब से। उन्होंने ये पाया कि यहाँ लगभग हर स्कूल में प्राइमरी, हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, हर कस्बे में, बड़े कस्बे में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ मुफ्त शिक्षा दी जाती है, कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये सारे के सारे गुरुकुल, सारे के सारे स्कूल्स, ये चलते हैं समाज के योगदान से। समाज हमेशा योगदान देता था इनको चलाने के लिए, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे संसाधन हो। और तमाम जो बच्चे थे वहीं गुरुकुलों में ही रहते थे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करता था। और एक तरीका ये था समाज में कि शासन की तरफ से तमाम ज़मीनें इनको दे दी जाती थी लगान मुक्त। अगर आपको ध्यान हो, जैसे तक्षशिला को राजा ने 200 बीघे ज़मीन, 200 गांव की ज़मीन उनको लगान दे दी थी, यानी 200 गांव की जो लगान आएगी वो जाएगी नालंदा में। तो एक तरह से वो फंडिंग हो गई। अगर आपको याद हो कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो ये था कि इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। भाई कोई भी बिल्डिंग बनी है तो कर्मचारी रहेंगे, काम करेंगे। तो शाहजहां ने 30 गांवों की मालगुजारी ताजमहल के नाम कर दी थी। तो एक तरह से अनवरत उनके संसाधन बने हुए थे। तो उस सर्वे में एक तो यह पाया गया कि सारी की सारी व्यवस्था गांव के लोग, शहर के लोग, यानी पब्लिक खुद करती थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट फंडिंग के लिए नहीं थे। और वो फंडिंग आती थी लगान से, मालगुजारी से, यानी मालगुजारी सरकारी खजाने में न जाके 200 गांव की मालगुजारी नालंदा चली गई, 30 गांव की मालगुजारी मान लीजिए ताजमहल की मेंटेनेंस में गई। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे वो। अब होता क्या है, जो ये 4-5 रिपोर्ट आई ऑल इंडिया की एजुकेशन पे, तो न केवल ये देखा गया कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट हैं, ये पाया गया कि इसमें से 80% विद्यार्थी और टीचर, शिक्षक, दोनों अनटचेबल और आज के बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। 80% से ज़्यादा विद्यार्थी, 80% से ज़्यादा क्या कहते हैं आपके शिक्षक, आज के अछूत, आज के ट्राइबल, आज के बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। इसने अंग्रेजों का बिल्कुल भौचक्का कर दिया। तो ये हुआ कि इस व्यवस्था से कैसे निपटा जाए। तो मैकाले ने ये सजेस्ट किया कि हम इनकी मालगुजारी ख़त्म कर दें। मालगुजारी या लगान जो इनको जाती है,
आर्डर कर देंगे कि वो मालगुजारी अब इन्हें नहीं दी जाएगी, सरकारी खजाने में जमा होगी, क्योंकि ज़मीन पर कब्जा मालगुजारी का हक सरकार का है। उस एक निर्णय ने भारत में शिक्षा पद्धति की पूरी व्यवस्था बदल दी। अंग्रेज़ों ने खुद लिखा है, अंग्रेज़ों ने जो लोग एजुकेशन पे काम किए हैं उन्होंने खुद लिखा है कि जब अंग्रेज़ भारत में आए 1850 तक, 1857 के बाद तक, भारत में लिटरेसी रेट, शिक्षा, पढ़े लिखे लोगों की संख्या 86% से ज़्यादा थी। और इंग्लैंड में आपको विश्वास नहीं होगा 14% थी, फ्रांस में 7% थी। तो इस एक, और चूंकि आपको फीस नहीं देनी पड़ती थी तो हर आदमी जाता था पढ़ने, आपने एक निर्णय लिया कि जो लगान, जो इनकम, जो मालगुजारी जाती है स्कूलों को, कॉलेजेस को, नहीं जाएगी, तो आपने तो उनका गला दबा दिया ना। उस एक निर्णय से उनकी सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। और उससे होता क्या है, भारत की 90% आबादी जो गरीब थी वो शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाती है। मैकाले ने और ब्रिटिश ने ये कहा कि शिक्षा उन्हीं को मिलेगी जो इसका पेमेंट करें। अब जब पेमेंट करें उसके बाद पेमेंट करने की स्थिति 8% 10% की होती है, तो 90% को आपने इमीजिएटली बाहर कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि 1947 में जब अंग्रेज गए तो 87-88% इंडियन इलिटरेट थे, यानी अंग्रेज जब आए, चूंकि आपने उन्हें शिक्षा पद्धति से बाहर कर दिया, और उसके लिए ब्लेम किसको दिया गया, ब्राह्मणों को। इस ब्राह्मणों ने शिक्षा पद्धति ऐसी बनाई कि इसमें लोअर कास्ट के लोग न पढ़ सकें। तो आज तो इस पर इतना ही, अगले एपिसोड में इसी शिक्षा पद्धति को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे एक देश जो विश्व के सबसे बड़े शिक्षित देश के रूप में माना जाता था, कैसे एक समाज जो विश्व के एक सबसे संगठित समाज माना जाता था वो बिखर गया हर तरह से, एक सबसे बड़ा अशिक्षित देश बना, और कैसे एक ऐसा समाज बना जो टुकड़े टुकड़े में बंट गया, इसको अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे।